फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मावारी गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्टेट का इस बार 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। जहां तक यूपी स्टेट की बात है, यहां पे नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज हो रहे हैं लगातार दो तीन सालों से, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां के कट ऑफ पे विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप हो जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि लगातार नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग 600+, बेसिकली 600+ एक आपका बेस स्कोर होता है जिसके ऊपर आप खुद को सेफ महसूस कर सकते थे अभी तक, फिलहाल 2022 तक। इस बार 13 मेडिकल कॉलेजेस ऐड करने की बात हुई थी, लेकिन वो जब तक ऐड नहीं होते तब तक कहा नहीं जा सकता है, मैंने पहले भी वीडियो बना के आपको बता दी है, ठीक है। उसके बावजूद भी हम ये कट ऑफ का वीडियो बना रहे हैं। अगर ये 13 कॉलेजेस ऐड भी हो जाते हैं तो जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूँ उसमें 2 या 3 नंबर या 4 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, हल्का फुल्का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 नंबर कम हो जाएगा या ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर के बीच में 500 कैंडिडेट्स 600 कैंडिडेट्स होते हैं, तो समझ सकते हैं आप कि इतना ही एक ही 2 नंबर का या 3 नंबर का गैप हो सकता है। और यूपी की मेरिट आप ये मान के चलिए कि लगातार इंप्रूव हो रही है, जस्ट लाइक राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, ये लगातार अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते चले जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर इन स्टेट्स में होता है, खासकर जीएमसी के लिए। तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है कैटेगरी वाइज, चलिए देख लेते हैं। और